सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। तो दोस्तों, यहाँ पर आज से लगभग एक महीने के पहले मैंने आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताया था, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इन्फिनिक्स का पहला पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्फिनिक्स ने लगभग 3 से 4 दिन पहले खुद से यहां पर कंफर्म कर दिया है अपने अपकमिंग पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन को। और यहां पर बेसिकली 2 स्मार्टफोन इन्फिनिक्स अपना लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, अगर बात करता हूं यहां पर इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले कुछ डिटेल की उसके अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, तो बेसिकली यहां पर 2 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। सबसे पहले जो स्मार्टफोन है उसमें आपको यहां पर एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिलेगी, और जो दूसरा स्मार्टफोन यहां पर रखा गया है उसमें यहां पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, यहां पर बात करता हूं इस स्मार्टफोन की और भी डिटेल की। तो यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि इन्फिनिक्स अपना एक नया स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च कर सकता है लगभग दिसंबर से जनवरी के बीच में, और यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, और इसके साथ साथ यहां पर आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगी। और ज्यादातर र्यूमर यही आ रहा था कि यह स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का हॉट 9 होने वाला है। तो बात करता हूं अगर मैं यहां पर इन्फिनिक्स के दूसरे वाले स्मार्टफोन में स्मार्टफोन की, जिसमें आपको यहां पर एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, तो इन्फिनिक्स ने साफ यहां पर कहा है, यहां पर एक पोल डाला गया है इन्फिनिक्स तरफ से, जहां पर एक स्मार्टफोन है उसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, और इसके साथ साथ 48 MP का रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। और यहां पर जो प्रोसेसर रखा गया है वो है मीडियाटेक का हीलियो P35 प्रोसेसर। तो बेसिक सी बात है, ये जो स्मार्टफोन है वो 90% ये चांस है कि यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 9 हो सकता है, और यहाँ पर आपको एक 48 MP का बैक कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पर और भी कुछ डिटेल निकल करके नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ये दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर कन्फर्म हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो आपको सेम प्राइस रेंज में यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इन्फिनिक्स से साफ यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ है कि दोनों स्मार्टफोन आपको एकदम सेम टू सेम प्राइस में देखने के लिए मिलेंगे, और एक स्मार्टफोन में यहां पर ऑप्शन रहेगा आपको या तो मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर आप ले लें, या फिर यहां पर वाटर ड्रॉप नॉच ले लें, और दूसरे फोन में यहां पर ऑप्शन रहेगा पॉपअप सेल्फी कैमरा का और मीडियाटेक का हीलियो P35 प्रोसेसर का। तो साफ चीजें यहां पर दिखाई गई हैं इन्फिनिक्स तरफ से। ये एक चीज तो यहां पर कंफर्म हो गई कि इन्फिनिक्स का पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन आपको 2020 के स्टार्टिंग में लगभग जनवरी के महीने में ही यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जनवरी के मिड में आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो अंडर 10,000 यहां पर होने वाली है। तो काफी अच्छी न्यूज है। जितने लोग काफी लोग यहां पर पूछ रहे थे भाई इन्फिनिक्स हॉट 9 का क्या हुआ, कब तक यहां पर देखने के लिए मिलेगा पॉपअप सेल्फी कैमरा का, बजट रेंज में पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। इन्फिनिक्स तरफ से पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है वो यहां पर निकल करके आने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर देखते हैं कब तक और कितने प्राइस तक जो स्मार्टफोन है फाइनली इंडिया में यहां पर निकल करके आता है, और जैसे ही यहां पर इस स्मार्टफोन के ऊपर कुछ भी डिटेल निकल करके आएगी मैं आपको यहां पर इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय गई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।